ओके, स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कह रहा है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड होता है? पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। कह रहा है इट इज कंसिस्ट ऑफ, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज कंसिस्ट ऑफ, ये बना होता है ए पेयर ऑफ टेस्टिस, कितनी ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यानी इन फोर पार्ट से मिलकर हमारा क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। अब एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड क्या होती हैं? होता क्या है कि हम जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है इसे हम कहते हैं निसेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? निसेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है उसे कहा जाता है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। क्या कहा जाता है? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। होता क्या है कि ऐसे ऑर्गन जिसके बिना हमारा काम ना चले, यानी जो कंपल्सरी हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या निसेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गन जिसके बिना हमारा काम चल जाए, यानी जो सिर्फ हेल्प करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। या इसी को हम क्या कहेंगे? निसेसरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे, क्योंकि टेस्टिस के अंदर क्या होता है? मेल गैमेट यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब इसी स्पर्म को क्या कहा जाता है? फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कराया जाता है, जहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, फिर बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो कह रहा है कि अगर किसी बंदे की टेस्टिस कट करके हटा दी जाए तो वो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी फादर नहीं बनेगा, वो कभी भी अपनी लाइफ में फादर नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसके टेस्टिस को छोड़ के इन सारे पार्ट्स को हटा दिया जाए, यानी एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर इसे हम हटा दिया और उस बंदे के बाद अगर टेस्टिस है तो डॉक्टर क्या करेंगे? टेस्टिस से स्पर्म निकालेंगे, टेस्टिस से क्या करेंगे? स्पर्म निकालेंगे और फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करा देंगे, यानी वो फादर बन सकता है, यानी वो फादर बन जाएगा। इसीलिए हम टेस्टिस को क्या कहते हैं? एक्सेसरी, सॉरी निसेसरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और बाकी बचा हुआ जो पोर्शन होता है, बाकी बचे हुए जो पार्ट्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ओके, तो मेरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे बना होता है? ए पेयर ऑफ टेस्टिस से बना होता है। एक्सेसरी डक्ट होती है, ग्लैंड होती है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है। अब एक्सेसरी डक्ट में कौन कौन सी डक्ट होती है? कह रहा है एक्सेसरी डक्ट जो होती है वो मेनली फोर टाइप्स की होती है। सबसे पहले तुम्हारा रेटिकुलेटिस, वासाइफरेंसिया, एपिडर्मिस एंड वॉश डिफरेंस, ये तुम्हारे क्या होती है? एक्सेसरी डक्ट होती है। अब एक्सेसरी डक्ट का काम क्या होता है? डक्ट ऐसे समझो, एक ट्यूब है। तो ट्यूब है, तो कह रहा है कि एक्सेसरी डक्ट का काम क्या होता है? ये डक्ट क्या करती है कि जो टेस्टिस के अंदर से जो स्पर्म रिलीज होता है उसे ये स्टोर करती हैं और फिर इसे ट्रांसपोर्ट करती हैं। यानी स्टोर करना और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना किसका काम होता है? एक्सेसरी डक्ट का होता है। कह रहा है दीज डक्ट्स, ये डक्ट्स क्या करती हैं? स्टोर करती हैं एंड ट्रांसपोर्ट, और क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं किसको? स्पर्म को, फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड, यानी टेस्टिस से बाहर तक, यानी टेस्टिस से हमारे बॉडी के बाहर तक ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? एक्सेसरी डक्ट का होता है। ओके, उसके बाद हमारा क्या है? ग्लैंड किसे कहा जाता है? ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी चीज को सिक्रीट करे उसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। कह रहा है जो ग्लैंड होती है, जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ग्लैंड होती है, वो मेनली थ्री टाइप्स की होती है। मेनली कितने टाइप्स की होती है? थ्री टाइप्स की होती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रा। अब जो सेमिनल वेसिकल होती है ये पेयर के फॉर्म में पाई जाती है। सेमिनल वेसिकल कैसे होती है? पेयर के फॉर्म में होती है। प्रोस्टेट जो होती है ये क्या होती है? ए होती है, यानी सिंगल होती है। क्या होती है? सिंगल होती है। बल्बो यूरेथ्रा क्या होती है? पेयर फॉर्म में होती है। तो कह रहे हैं जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड है तो किसी ना किसी चीज का सिक्रीशन करेंगी। तो कह रहा है कि ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करते हैं? कुछ सिक्रीट करती हैं, और इन्हीं के सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। यानी सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड, यानी सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करते हैं। अब कल जो हमारा सेमाइनल प्लाज्मा होता है, ये जो हमारा सेमाइनल प्लाज्मा है, इसमें मेनली फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है एंड सर्टेन एंजाइम, और क्या होता है? कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा का काम क्या होता है?
कह रहा है कि सेमिनल प्लाज्मा क्या करता है आफ्टर इजेकुलेशन, यानी स्पर्म को बाड़े के बाहर, स्पर्म को बाड़े के बाहर निकलने के बाद भी क्या होता है, नरिशमेंट की जरूरत होती है और उसे प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो कह रहा है कि जो ये सेमिनल प्लाज्मा होता है ये आफ्टर इजेकुलेशन यानी इजेकुलेशन के बाद यानी बॉडी से स्पर्म को निकलने के बाद उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, अब कह रहा है जो हमारा ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है, कह रहा है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये सेमिनल प्लाज्मा तो बनाती ही बनाती है, उसके बनाने में तो हेल्प करती है, उसके साथ साथ क्या होता है जो इसका सिक्रीशन होता है वो पेनिस को लुब्रिकेंट भी करता है, यानी इट्स सिक्रेशन आल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, यानी पेनिस को लुब्रिकेंट करने में भी क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जैसे पेनिस ये हमारा क्या है पेनिस किसके अंदर आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आता है। ओके, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम वन बाई वन देखेंगे टेस्टिस क्या होती है, सिस्ट्री डक्ट्स क्या होते हैं, ग्लैंड क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके बाय।